नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। मास्टर भंवरलाल मेघवाल का एक और वीडियो वायरल हुआ है। सुजानगढ़ में सभा में दिए गए बयान पर सफाई दे रहे हैं। किसी परिचित कार्यकर्ता को सफाई देते हुए मंत्री मेघवाल नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने मंच से एक बयान दिया था और उस मंच से बयान में उन्होंने कहा था कि मंडावा के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप जाइए और वहां पर प्रचार कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 12 तक बिजी और उसके बाद आप कहेंगे तो जाकर प्रत्याशी को जिता देंगे, आप कहेंगे तो हरा देंगे। ये वीडियो काफी वायरल हुआ, लेकिन अब जो वीडियो हम दिखा रहे हैं उसमें वो अपनी सफाई दे रहे हैं। किसी परिचित कार्यकर्ता को सफाई देते हुए मंत्री मेघवाल क्या कह रहे हैं, ये जरा सुनिए। अच्छा कार्यकर्ता होने के नाते जी वो देखते हैं कि इसका प्रभाव नहीं बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने बढ़ना चाहिए, तो ये कहेंगे, क्लिप बनाते रहते हैं मेरे खिलाफ। कोई ग्लू क्लू मिलता है, क्लिप बनाते रहते हैं। बाकी कोई प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो देखो कि मैं अलग टाइप का आदमी हूँ, मैं स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ, लेकिन इस प्रकार की क्लिप बनाना, इस प्रकार से वायरल करना, उसको ये शोभा नहीं देती। आज की तारीख में मैं तो मान लीजिए कोई भी काम करता हूँ तो सरकार के हित में करता हूँ, पार्टी के हित में करता हूँ। लगातार हमने 5 साल तक मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को हमने सत्ता में लाए, पार्टी का खूब सेवा किया है और अभी भी पूरे तन मन और धन से आने वाले समय के अंदर जो चुनाव उनके अंदर काम करेंगे। तो एक मजाक के अंदर कोई बात होती है उसके अंदर उसको क्लिप बना लेता है। एक आदमी पीछे लगे हुए, 2-3 पीछे लगे हुए, अब पीछे लगे हुए उनमें वो जो पत्रकार है या पत्रकार के छोटे हुए कोई आदमी है जो मेरे इस प्रकार के काम को, सम्मान है सबका, अशोक गहलोत जी का पूरा सम्मान, हरियाणा साहब का सम्मान, हमारे नेताओं का सबका सम्मान है, मेरा कोई ऐसा। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, सार्वजनिक तौर पर अगर वो ये बयान देते कि ठीक है भाई गलती हो गई, कोई बात नहीं, मजाक में ये सब हुआ और मजाक की तरह लीजिए, सीरियस मत लीजिए, तो शायद समझ में आता, लेकिन सफाई भी दी तो बंद कमरे में। देखिए विजेंद्र, ये सीधे तौर पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश भर है जी, और बहुत सफाई से ये किया गया है, आप इस बात को समझिए। मास्टर भंवरलाल मेघवाल नो डाउट एक ऐसे दलित नेता है जिनकी पैंट रही है, लेकिन वो बोलते वक्त अक्सर ये गलतियां कर जाते हैं और ये नई बात नहीं है विजेंद्र। आपको याद होगा पिछले सरकार में भी ऐसा कोई वक्तव्य आ गया था उनका, मायावती की तारीफ करते वक्त वो भूल गए थे कि वो कांग्रेस में है और कुछ एक ऐसी टिप्पणियां उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर कर दी थी। उस वक्त बहुत जो है अखबारों में बहुत छाए रहे थे, उसके बाद उनके मंत्री पद भी चला गया, क्या कारण रहा, क्या चीजें रही, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। ये मास्टर भंवरलाल मेघवाल का ये आदत सी हो गई है, ये बहुत जोश में आ जाते हैं और ऐसी बातें कह देते हैं। ये जो पहला बयान दिया था गोंदू सर में दिया था 9 अक्टूबर को, और मैं आपको बताऊं विजेंद्र, वहां कोई कारण नहीं बनता था। वो जो है कार्यक्रम जो था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षों के लोकार्पण का था, वहां पर उन्होंने ये बात कही थी, जहां सीधे तौर पर राजनीतिक तौर पर कोई मतलब नहीं था, वहां में बोले थे। और उसके बाद जो है आज ये सफाई का वीडियो वायरल हुआ है, आप जो सुना पा रहे हैं दर्शकों को, तो कहीं ना कहीं विजेंद्र गलती उनसे हुई। अब कुछ कहीं ना कहीं किचन कैबिनेट ने सलाह दी कि अब इस गलती को कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, तो उसके चलते ये ऐसा हुआ है, ऐसा साफ तौर पर लग रहा है। और आपने बहुत दुरुस्त फरमाया है विजेंद्र, यदि आपको लगता है गलती हुई थी तो आप तो उस पार्टी के नेता हैं जो गांधी को मान रही है, आप आते कॉन्फ्रेंस करते और कहते गलती से मैं कह गया, ये ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि ये जो इस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इन दोनों बयानों में कोई हिडन एजेंडा हो, और वो हिडन एजेंडा क्या है, कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है, कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, तो तमाम चीजें हैं। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है वो एक दलित नेता है, पार्टी को उनको जरूरत है, बाई इलेक्शन है, उन पर जिम्मेदारी थी, उन्हें ऐसे वक्त पर यदि कोई वरिष्ठ दलित नेता ऐसा बयान देता है, मुझे लगता है पार्टी के आलाकमान को इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा लक्ष्मण, इस दौरान वो आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने उनका वीडियो वायरल किया, उनके विरोधियों ने वीडियो वायरल किया और जानबूझकर इस मामले को तूल दी गई। अब जो ये वीडियो आया है, इस वीडियो को ऐसे देखकर लगता नहीं कि प्रायोजित तरीके से बनाया गया और वीडियो वायरल का जवाब वीडियो वायरल करके ही दिया गया हो?
देखिए मैंने कहा ना विजेंद्र, आप जो सवाल कर रहे हैं उससे मैं जवाब छिपा है कि जो पहला वीडियो था वो सार्वजनिक कार्यक्रम था जो आप कह रहे हैं सीधे तौर पर। अब ये जो वीडियो आया है ये अगर ये वायरल किया गया है जैसा कहा जा रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि आप मंत्री के कमरे में कौन कैमरे से बनाएगा कोई, मुझे लगता नहीं ऐसा हो। फिर भी यदि ये बात भी है तो भी आपकी बात बहुत सटीक है कि यदि ऐसा है भी उनको लग भी रहा है कि मुझसे गलती हुई है तो उन्हें बाकायदा मीडिया के सामने आके जनता के बीच जाकर अपनी बात रखनी चाहिए थी और ये बात कहनी चाहिए, अब भी कहनी चाहिए। अभी कोई देरी थोड़ी हुई, अभी इलेक्शन वहां पर भी जारी है और वो एक नेता है, उन्हें बात बोलनी चाहिए थी। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये पुरानी आदत है, यू टर्न वो लेते रहे हैं। विजेंद्र कोई नई बात नहीं है, पहले भी बहुत सारे बयान उनके चर्चित रहे हैं। शिक्षकों ने विरोध किया था जब शिक्षा मंत्री थे, कोई बयान दे गए थे बहुत ही, मतलब मैं उसको यहाँ कोट नहीं करना चाहूंगा, शिक्षकों को लेकर खासतौर पर महिला शिक्षकों को लेकर उन्होंने बयान दिया था, तो ये उनका स्टाइल है। लेकिन आप ये स्टाइल देखिए, अब जो युग है कैमरे मोबाइल सब है और मुझे लगता नहीं वो वायरल किया गया था। पहला वीडियो दी हम बात करें, वहां पर प्रेस थी, तमाम लोग थे, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले रात 10 बजे वो खबर चलाई थी, उसके बाद बाकी चैनल्स ने भी चलाई, तो मुझे लगता नहीं कि वो जो बयान था वो कोई वायरल किया गया था। वो तो सीधे तौर पर वो बोल रहे थे और लोगों ने वहां बनाया था वीडियो जी। लेकिन लक्ष्मण लग रहा है कि किसी राजनीतिक पंडित ने उनको सलाह दिया कि आपने जो बयान दिया उसका आपको दोधारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर मंडावा को लेकर जो बयान दिया अगर वहां पर कांग्रेस जीतती है तो फिर क्रेडिट मुख्यमंत्री का, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहेंगे तो जिता देंगे तो उनको वहां पर कुछ मिलना नहीं। लेकिन अगर मंडावा में कांग्रेस हार गई तो फिर उनके ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री के संदर्भ में ये सब कुछ कहा, आप कहेंगे तो जिता देंगे, आप कहेंगे तो हरा देंगे, शायद इसलिए माफी मांगना सामने आना पड़ा, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आना पड़ा, लेकिन माफी नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विजय ने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बयान इस तरह देना, और आप सोचिए जिस जो कांग्रेस की देश में हालत है, राजस्थान में भले ही सरकार है तो आपको ऐसे वक्त में ज्यादा काम करने की जरूरत होती है, आपको ये इंतजार थोड़ी करना पड़ता है कैप्टन आपको कहेंगे कि आप बल्लेबाजी में सिक्स लगाइए। मुझे लगता है वो बड़े मतलब नेता है, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है उनको, मंत्री रहे हैं वो और उनकी बैठ भी निश्चित तौर पर रही है, तभी वो चुनाव जीत कर आते रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो फंस गए थे इस बयान को देने के बाद, क्योंकि अल्टीमेटली जो बात उन्होंने मुख्यमंत्री को कही थी और वो उसमें ये झलक रहा था कि वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनको फोन करके कहें जी। और दरअसल ये सीधी तौर पर कहीं ना कहीं आज उन्होंने जिस तरह से बात की, आज उन्होंने सचिन पायलट का नाम भी लिया है कि सचिन पायलट जी भी नेता, तो सब तमाम नेता है सचिन पायलट मुख्यमंत्री है, इसमें कतई शक और दोराय नहीं है। लक्ष्मण मैं आपको रोक रहा हूँ, अपने दर्शकों को जरा वो वीडियो सुना ही देते हैं जिसके अंदर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मेघवाल कह रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री कहेंगे तो मंडावा में कांग्रेस प्रत्याशी को जिता दूंगा और अगर नहीं कहेंगे तो चुनाव हरवा दूंगा। उन्होंने बात सुजानगढ़ विधानसभा के गोंदूसर गांव में नवनिर्मित 3 कक्षों के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही थी, जरा सुनिए। अब समझ रहे हो गए बात, लेकिन फिर भी ये मंडा हो जानू पड़ी बात। मुख्यमंत्री जो 2 बार फोन आए, मैंने कहा मैं तो 12 तारीख पहले नहीं जाऊंगी। क्यों? मैंने कल मेरा आज प्रोग्राम है, कल प्रोग्राम है, 11 को पंचायतों में अलग अलग करने की मीटिंग है और 12 तारीख को मैं जाऊंगा, उसके बाद देखूंगा और ठेका हो तो जिता दूंगा और ठेका हो तो हरा दूंगा। आप समझ रहे हो गए बात। लक्ष्मण एक बार फिर हमने दर्शकों को बयान सुनाया और बयान इसलिए सुनाया ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि माफी के पीछे का संदर्भ क्या रहा, लेकिन इन दोनों वीडियो को जब एक साथ देख रहे हैं लक्ष्मण तो समझ में आ रहा है कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल को समझ में आ गया कि जो उन्होंने अतिशोक्ति अलंकार का इस्तेमाल करते हुए अपने कद को बढ़ाने के लिए बयान दिया वो दरअसल अब उनके कद को घटाता हुआ नजर आ रहा है और उसको कंट्रोल करना है तो फिर आपको एक और वीडियो वायरल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे विजेंद्र, वो कहते हैं ना निगलते बन रहा है ना उगलते, ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं मंत्री जी की हुई है क्योंकि उन्होंने वो बोल दिया ऐसे कि बघाड़ते हुए, उनका स्टाइल आदत जो है जैसा मैंने पहले कहा वो बात बोल दी और जब उसके संदर्भ निकाले गए तो सीधे तौर पर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जिस तरह का बयान था कि वो इस बात को ये कह रहे हैं कि यदि सीएम ने नहीं कहा तो वो वोट नहीं मांगेंगे पार्टी के लिए या वो नहीं काम करेंगे, और उसने यहां तक कहा अगर आपने लास्ट में सुना हो, आप कहोगे तो जिता दूंगा, आप कहोगे तो हरा दूंगा। देखिए ये जो बयान है, ये जो लाइव पंक्ति है, ये मुझे लगता है एक मंत्री की मुंह से अगर वो बोलते हैं तो ये बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे और फिर ये जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी कि कांग्रेस को कौन जिताना चाह रहा है, कौन हराना चाह रहा है जी। अच्छा लक्ष्मण दूसरा वीडियो हम देख पा रहे हैं वो शायद मंत्री साहब के ऑफिस का वीडियो है। अब एक तरफ तो डर सताते हैं, डर दिखाते हैं,
कि भाई कहीं पर भी कोई भी वीडियो बन जाता है, इनसे बचने की जरूरत है, और उनकी टेबल के सामने वीडियो बन रहा होता है, और वो कैसे मुमकिन कि वो अनभिज्ञ हों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालांकि इसमें सफाई दे देंगे कि बहुत सारे हिडन कैमरे आते हैं, ये आते हैं, मुझे लगता देखिए सीधी बात है, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनकी जो राजनीतिक सलाहकार मंडली है कहीं ना कहीं उन्होंने सलाह दी कि भैया इसका तोड़ क्या हो, क्योंकि ये जो बात बोली आपने सार्वजनिक तौर पर बोली है तो वो वहां से कहीं हुआ है, लेकिन चूंकि एज ए जर्नलिस्ट हमें अगर उनका बात मान लें कि वीडियो वायरल किया गया है, ये वीडियो भी जैसा उन्होंने पिछले वीडियो को लेकर कहा, तो वीडियो वायरल किया गया तो आप वो बताएं आपके सामने कि भाई ये वीडियो वायरल किया गया है तो मेरी मंशा तो यही थी, तो ये बात उन्हें कहनी चाहिए यदि ये थी। अच्छा, इसमें तो भंवरलाल जी को बताने में दिक्कत भी नहीं होगी कि किन्होंने वीडियो वायरल किया है, क्योंकि उनको ये तो पता होगा कि किनके सामने उन्होंने सफाई दी है, उनके साथ जो भी आया होगा वीडियो उसने वायरल कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, क्योंकि यहाँ पर ये तो है नहीं, पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर रहे थे वो, तीन चार पांच लोग मुझे लगता है इसमें तो दो तीन लोग दिखाई दे रहे हैं अभी जो वीडियो चल रहा है स्क्रीन पर, तो उनसे तो बहुत आसानी से चिन्हित भी हो सकता है। देखिए सवाल मंशा का है सीधे तौर पर कि उनकी मंशा क्या थी, यही सवाल जो है कहीं ना कहीं है, महत्वपूर्ण सवाल है ये कि पहले बयान में मंशा सही थी या इस बयान में मंशा सही है, और ये तय वो खुद करके बताएंगे, क्योंकि जनता तो अब अपने अपने आंकड़े लगा चुकी है, मुझे लगता है पत्रकार अपने हिसाब से लगा रहे हैं, राजनीतिक के अपने हिसाब से लगा रहे हैं, विपक्षी पार्टी अपने हिसाब से लगा रही है, और इसका प्रयोग भी होगा। विजेंद्र आप इस बात को समझिए, इस बात का, इस बयान का निश्चित तौर पर भाजपा कहीं ना कहीं अपने हिसाब से प्रयोग करेगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां काम है और वो बताएगी कि किस तरह से एक दलित नेता की क्या बात है, ये बात वो कहेगी। भंवरलाल मेघवाल को बताना है कि उनकी मंशा पहले थी वो थी या अब जो वीडियो वायरल हुआ वो है, और मुझे लगता है भंवरलाल मेघवाल की लक्ष्मण वो सीधे तौर पर माफी नहीं मांग रहे, उनको पता है कि अगर माफी मांगेंगे तो जिस वोट बैंक का जिक्र कर रहे हैं उसमें गलत संदेश जाएगा, और माफी नहीं मांगेंगे तो फिर बाकी के वोट बैंक में गलत संदेश जाएगा, इसलिए बीच का रास्ता निकाल लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीच का रास्ता निकाला है बहुत होशियारी से, किन्हीं ने सलाह दी है यदि अगर ऐसा है जो हम कयास लगा रहे हैं, लेकिन यदि वो कह रहे हैं कि वायरल हुआ है तो भी उनको सामने आना चाहिए और अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए कि वो कांग्रेस के लिए इस भूमिका में इन चुनाव में बाई इलेक्शन में रहने वाले हैं। लेकिन शुक्रिया राघव हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसमें उनको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बंद कमरे में कह सकते हैं वो सार्वजनिक मंच पर भी कहा जा सकता है।